और अब खबरें तफसील से। बडगाम इनकाउंटर में दो दहशतगर्द मारे गए हैं। एडीजीपी कश्मीर के मुताबिक मारे गए दोनों दहशतगर्दों की शिनाख्त पुलवामा के अरबाज मीर और शाहिद शेख के तौर पर हुई है। दोनों का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम लश्कर से है। दोनों दहशतगर्द हालिया तसादुम से मफरूर थे। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। दो रोज पहले एक रेड बुक में ऑपरेशन लॉन्च हुआ था जिसमें फायर फाइट थोड़ी देर के लिए चली थी और उसके बाद वहाँ से टेरिस निकल पाए और तब से लेकर के उनकी तलाश थी। उसी तलाश की कड़ी में ही आज कुछ एक जगहों पे नाके रखे गए थे। कुछ एक खबर थी कि इनकी मूवमेंट किसी एक गाड़ी में होने वाली है। नाके ने जब चेकिंग के लिए गाड़ी को इशारा दिया रुकने का तो वहाँ से गाड़ी से जंप करके फेर करके भागने की कोशिश की गई और जवाबी कार्रवाई में दोनों दहशतगर्द मारे गए हैं। दोनों पुलवामा ज़िले के रहने वाले हैं और दोनों का संबंध जो है वो लश्कर तैयबा जो है तंजीम के साथ है। इनकी मूवमेंट क्योंकि बडगाम की तरफ से इस तरफ शहर से थी तो ये श्रीनगर शहर में आ रहे थे, आगे किसी डेस्टिनेशन पर जा रहे थे। ये पार्ट तो तफ्तीश का हिस्सा है मगर ये अपनी पुरानी जो इनकी हाइड आउट है उसको छोड़ के किसी नई हाइड आउट की तलाश में। हिंदुस्तान को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बिलाखिर यूएनएससी ने अब्दुलरहमान मक्की को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया है। लश्कर का दहशतगर्द अब्दुलरहमान मक्की मुंबई 26/11 हमलों का साजिशी है। ख्याल रहे कि 6 महीने कबल चीन ने पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अब्दुलरहमान मक्की को दहशतगर्द करार देने की तजवीज को रोक दिया था। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी सूचना है या खबर जिसे हम कहते हैं। काफ़ी समय से भारत चाह रहा था कि उनको आतंकवादी घोषित किया जाए लेकिन बार बार चाइना जो था उसमें टेक्निकल हिचेस लगा देता था, किसी टेक्निकल रीजन से इसको रोक देता था। अब आखिर में फाइनली ये भारत की एक जीत हुई। भारत की नहीं, मैं बल्कि समझता हूँ आतंकवाद के खिलाफ ये एक बड़ा कदम है। दूसरी बात यह कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह बात सोचनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद भी और फिर उसके बाद ये अब्दुलरहमान मक्की और इस तरह के बहुत से आतंकवादी टेररिस्ट वहां पे मौजूद हैं इस समय। अब उनको पाकिस्तान को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, भारत को हैंड ओवर करना चाहिए, इसलिए कि अब्दुलरहमान मक्की बहुत समय से जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादियों को ट्रेन करना फिर उसके बाद उनको इन्फिल्ट्रेट करना का काम कर रहा था। इसने ये एक ऐसा व्यक्ति है जिस जो कई सौ बल्कि हजार से भी ज़्यादा लोगों की हत्याओं में ये शामिल है। जितनी बड़े प्लानिंग होती थी वहाँ पे या जितना बड़े मेजर ऑपरेशंस हुए थे उनको ये मिनट टू मिनट गाइड भी करता था, उनको देखना, उनको फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना पाकिस्तान की सेना के साथ आईएसआई के साथ और इसके बड़े क्लोज संबंध आईएसआई की, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक असेट भी था पाकिस्तान की सेना का।